हम ये मान रहे हैं, लेकिन इस पर भी सरेंडर कर देना चाहिए एकदम उस समय से उसको, अभी तो भी कर देना चाहिए, अभी भी कर, कभी बाकी कब से नेतृत्वकर्ता को भागना नहीं चाहिए, शेर की तरह गरजते हुए उसी मैदान में घुस जाना चाहिए। भागने का हम वकील के माध्यम से दिशा भी नहीं, निर्देश भी नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा षष्ठी रंजन महतो। तो आप ये बताइए कि जयराम जी जिस तरह से फरार हो गए, क्या कानूनी रूप से मुसीबतें उनकी और बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। अरेस्टिंग दे देना चाहिए था उनको? एकदम दे देनी चाहिए था, लेकिन जिस तरह का पुलिस प्रशासन घेर के रखी थी, इसमें संदेह उत्पन्न होता है कि क्यों छोड़ा गया उसको, जब आपके ये हम नहीं कह सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस पर भी सवाल निशानियां हो सकता है कि ये बीच में हम रहेंगे और भाग किसे जाएंगे, जिसके हाथ में सब चीज समाधान है, सब चीज विधि व्यवस्था। तो भगाने वाली को गिरफ्तार, वो तो बात की ना प्रक्रिया, हमको कहाँ जाने, आज हम ही को जाने नहीं देते तो गिरफ्तारी की बात तो बाद में आती, जब मेन उसी को गिरफ्तार करता। अब इस परिस्थिति को भांपते हुए रखते, जब संबोधन कर रहा था तो 5 पुलिस घेर के रखते, कहाँ भागा भाई, CCTV चारों तरफ लगा देते, जब यहाँ तो चारों तरफ लगा, कहाँ भागा, जिम्मेदारी कौन होगा उसका? जब आप SSP DSP को देना चाहिए था कि आपके नज़र से कौन भागा, इसकी इस पर जिस प्रकार से देखे भागा वो गलत किया, हम ये मान रहे हैं, लेकिन इस पर भी सरेंडर कर देना चाहिए एकदम उस समय से उसको, अभी तो भी कर देना चाहिए, अभी भी कर, कभी भाग के कब से नेतृत्वकर्ता को भागना नहीं चाहिए, शेर की तरह गरजते हुए उसी मैदान में घुस जाना चाहिए। भागने का हम वकील के माध्यम से दिशा भी नहीं, निर्देश भी नहीं, उनके शरण में कानून के शरण में आना चाहिए, बेल होना चाहिए। उसका उसका जो आपराधिक इतिहास है, उसका कर्म पूरा झारखंड में जानता है कि लोग गलत करता है बोला बेटा जेल गया ठीक है वो बोलता है, लेकिन आज जयराम महतो जेल जाएगा तो बोलेगा दुख हुआ, बोलेगा आदमी विशेष पर लोग सहानुभूति रखता है कि नहीं, सब आदमी के साथ एक जैसे सहानुभूति नहीं रखेगा, बहुत सारा बात देखेगा, घर का लोग जैसे आज एक अपराध किया कल एक अपराध बोला उसका हैबिचुअल है वो जाए, लेकिन इस तरह जो एक आवाज उठाने के भी कुछ दिन उठा था, एक फिर भी एक जन जागरण कर दिया था कि कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, सरकार को विधि व्यवस्था के साथ हम लोग साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, 20-25 साल से खिलवाड़े यदि करेगा तो हम लोग बाल बच्चा तो जमीन भी लुटा गया नौकरी भी लुटा गया करेगा क्या, तो कोई तो बोलने वाला होना चाहिए सरकार के विरुद्ध, यदि सरकार के विरुद्ध बोलिए अगर जेल भेज देगा तो ये सरकार जाने, तो इसीलिए सरकार कैसा